नमस्ते, मैं सोमनाथ हंसदा। अभी आदिवासी एरिया में आदिवासियों को एक अच्छा सॉल्यूशन है जो आदिवासी गांव में वहां पे जो माझी परगना होता है उन लोग से हर चीज़ का सर्टिफिकेट लिया जाए और हर चीज़ का डॉक्यूमेंट लिया जाए, क्योंकि कोई प्रशासन में ही कोई ना हो, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी हो ना, क्योंकि वो 3 साल का बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसका बाद दूसरा आता है, वो बोलेगा मेरे को आता पता नहीं, मैं उस टाइम था नहीं। इसी से आदिवासियों को कोई चीज़ में सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसलिए आदिवासियों को हर गांव में, हर स्टेट में जो आदिवासी विलेज है उसी में जो पूर्वज से जो रीति रिवाज से है उसी से सिग्नेचर किया जाए, क्योंकि पंचायत में भी प्रधान भी हर 5 साल में बदली हो जाता है और मंत्री भी हर 5 साल में बदली हो जाता है। इसलिए गांव में मिनिमम 50 साल तक जिंदा जो माझी परगना नायकी जी रहता है उसी से ही कोई भी सिग्नेचर, कोई की डॉक्यूमेंट सब कुछ उसी से ही सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आदिवासियों को राहत मिलेगा, क्योंकि जमीन से लेके हर चीज डॉक्यूमेंट माझी हड़ाम का पास ही रहना चाहिए, सिग्नेचर भी सब कुछ तभी, क्योंकि नहीं तो गांव से शहर से कोई अधिकारी बदली हो गया उसी से कोई राहत नहीं मिल रहा, ना पहचानता है ना जानता है। इसलिए गांव में माझी हड़ाम हर आदमी को पहचानता है, गांव का कौन है, किसका ज़मीन क्या है, किसका है, दखल कितना दिन से है। इसलिए सिर्फ माझी हड़ाम का पास ही हर चीज़ का डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ होना चाहिए, तभी असली मिलेगा। नहीं तो इंग्रेज ज़माना में जैसे इंडिया को लूटा गया है ऐसे लूटते रहेगा, पुलिस प्रशासन इंग्रेज ज़माना में बनाया गया है ऐसे जैसे हाल था उसी टाइम, अभी भी ऐसे ही है और ऐसे ही रहते रहेगा आजीवन, इसका कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरी जो करता है वो तो नौकर ही है, वो तो मालिक कभी नहीं बन सकता है। इसलिए मैं यही पद्धति आदिवासियों को बता रहा हूँ, यही होना चाहिए तभी आदिवासियों का भविष्य अच्छा होगा। मैं सोमनाथ हंसदा, नमस्ते सभी को।